हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 22 बाय 40 प्लॉट साइज के बारे में। इसमें किस तरह से आपको घर बनाना है। ये एक गांव का मकान है और इन्हें वास्तु से भी कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर विंडो भी देना चाहिए था बहुत सारी जगह, लेकिन अभी हमने विंडो नहीं दिखाए हुए हैं, तो उसको भी आप कंसीडर कीजिएगा। बात करेंगे, यहाँ से रोड लगी हुई है, कच्चा रास्ता है। यहाँ पर आपका पोर्च मिल जाता है। पोर्च का मैं आपको साइज बता देता हूँ कि पोर्च का साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहेगा 7 फिट 9। और यहाँ पर पार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है, इस कारण आप ये ना सोचें कि ये कम जगह है तो पार्किंग नहीं होगी। ये सिर्फ पोर्च है जहाँ पर आप कुछ समय रुक सकते हैं, आपके स्लीपर्स वगैरह यहाँ पर उतार सकते हैं। और एक स्टेयर जाने के हिसाब से 11 फिट 3 इंच ऐसे में 7 फिट 9 इंच, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है आपका। यहाँ पर ये जो पोर्च है ये हो गया है क्लियर। सीढ़ियाँ यहाँ से कुछ इस तरीके से चढ़ाएं, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि अगर आप वास्तु मानते हैं तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ से नीचे से निकलते हैं और जाते हैं, यहाँ पर आपको विंडो की पोजिशंस मिल जाती है। बात करेंगे आगे, हॉल में आप पहुँचते हैं। 11 फिट बाय 14 फिट 6 इंच का आपको हॉल मिल जाता है। यहाँ पर आपका कुछ फर्नीचर जो है इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये आपका फर्नीचर जो है आप इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको फर्नीचर कितना सेटअप करना है। यहाँ पर आपका बीच में पूजा का रूम आ जाता है 4 फिट बाय 5 फिट का। ये आपका पूजा स्पेस हो गया। एक बेडरूम आपका 9 फिट बाय 10 फिट का यहाँ पर हो जाता है। एक्चुअल बेड का जो साइज़ है 9 फिट बाय 10 फिट बहुत ही कम हो जाता है, या फिर आप कहें कि बिल्कुल इसमें वॉकिंग स्पेस जो आपको मिलता है एज़ पर इंटीरियर डिज़ाइन, या फिर आप इंटीरियर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक कमरे बहुत छोटे पड़ते हैं। बट यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है और कॉस्ट कम करने के लिए, हालांकि जगह थी लेकिन कॉस्ट कम करने के लिए ये रखा गया है साइज़, इस कारण हम ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो ये साइज़ 9 बाई 10 है, आप ये मान कर चलिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर एक किचन आपका 7 फिट 9 इंच बाय 8 फिट का हो जाता है किचन। किचन के बाद हम बेडरूम देखें तो 9 फिट बाय 13 फिट का आपका एक बेडरूम हो जाता है। यहाँ से आपको एक स्पेस मिलता है, पैसेज मिलता है। इस अगर स्पेस या पैसेज की बात करें तो हम ये है 3 फिट, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। पिछले हिस्से में अगर हम देखें तो वॉश एरिया मिलता है आपको यहाँ से पूरा, ये आपका पूरा वॉश एरिया हो जाता है। यहाँ पर आपका अलग टॉयलेट, WC 4 फिट बाय 3 फिट 3 इंच, और साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट जो कि 4 फिट बाय 5 फिट की हो जाती है आपकी यहाँ पर ये टॉयलेट। तो कुछ इस तरीके से आपका ऐसे में 22 फिट, और इस तरीके से ऐसे में 40 फिट मिलता है। तो 22 फिट बाय 40 फिट में ये आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। और कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपका प्लॉट साइज 22 बाय 40 है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।